स्वागत है आप सभी का क्यू हिंदी पर और मैं हूं अभिनव सिंह। फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर 2019 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उस पर मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और इस पूरे वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ से भी मैं डाल देता हूँ तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पंजाब और महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक जिसको बोलते हैं PMC लिमिटेड के प्रशासक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है जय भगवान भोरिया। ये बात ध्यान देना, जय भगवान भोरिया। इन्होंने किसका स्थान लिया? एस वारेम सिंह का स्थान लिया किसने? जय भगवान भोरिया ने लिया। अब इनको नियुक्त कौन किया? RBI ने किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको नियुक्ति दी है जय भगवान भोरिया को एस वारेम सिंह की जगह पे। तो RBI की बात हो रही है, तो RBI के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो शक्तिकांत दास है वो 25वें गवर्नर है, 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, ठीक है। और RBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को, तब कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी, तब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। 1935 में इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट, अभी हाल ही में बेल्जियम में तोरनोई सैटेलाइट तलवारबाजी प्रतियोगिता, विश्व स्तर की प्रतियोगिता थी ये, में महिला सावरे व्यक्तिगत वर्ग का रजत पदक किसने जीता है? तो जीता है भवानी देवी ने, ठीक है। तो भवानी देवी ने इसे जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? बेल्जियम में, ठीक है, ध्यान देना। तो बेल्जियम की बात हो रही है, तो बेल्जियम की राजधानी भी हमें पता होना चाहिए, तो ब्रसल्स, सुने हो ना? जो ब्रसल्स है वो कहाँ पर स्थित है? वो है बेल्जियम में। और बेल्जियम कौन सा मुद्रा यूज़ करता है? यूरो, क्योंकि वो यूरोपियन कंट्री है। इतना बातें आपको ध्यान में रखना है। अभी हाल ही में 2019 रसिया, तो ये रसिया में आयोजित हुआ, ये बात आपको ध्यान रखना है। रूस में F1 ग्रैंड प्रिक्स Formula 1 GP कौन जीता? तो कौन जीता? लेविस हैमिल्टन ने जीता। ये मर्सिडीज के चैंपियन रहे हैं लेविस हैमिल्टन, तो मर्सिडीज की तरफ से खेला इन्होंने, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। और दूसरे नंबर पे कौन था? दूसरे नंबर पे मर्सिडीज के ही वोल्टेरी वोटास थे। और तीसरे नंबर की बात करें तो चार्ल्स लेक्लर्स, ये फेरारी की तरफ से खेल रहे थे। ये रेसिंग की बात हो रही है, समझ रहे हो ना? तो लेविस हैमिल्टन ने इसको जीत लिया। तो इतना बात है आपको। रूस की बात हो रही है, तो रूस की राजधानी है मास्को, और वहाँ की करेंसी की बात करें तो रसियन रवल चलता है वहाँ पर, रवल, ठीक है। और वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन, बहुत फेमस है, सब जानते हो। अब नेक्स्ट, अभी हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने अपने नाम कर लिया? तो केंटो मोमोता, इन्होंने अपने नाम कर लिया। ये कहाँ पे हैं, किस देश के खिलाड़ी हैं? जापान के खिलाड़ी हैं। तो कोरिया ओपन इन्होंने जीता है। अगर महिलाओं की बात करें तो ही बिंग जियाओ ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। केंटो ने चोउ टियन चेन, जो बी नंबर पे लिखा हुआ नाम टोउ चियन चेन, ये है ताइवान की, इनको हराया। और ही बिंग जियाओ, इन्होंने थाईलैंड की रत्चा नोक को हरा दिया, मतलब ये जो डी नंबर पे लिखा हुआ इनको हराया इन्होंने। ही बिंग जियाओ चीन की हैं, ये सी नंबर पे। तो फाइनल कौन जीता? केंटो और ही ने जीता है। ही चीन की है और केंटो जापान की है, और हराया चोउ को, केंटो ने चोउ को हराया और ही ने रत्चा नोक को हराया। तो इनका नाम बहुत बढ़िया है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के भू हमला संस्करण का परीक्षण किस स्थान पे किया है? पहली बात तो ये ध्यान देना है कि किस ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, इसका परीक्षण किया है। भू हमला मतलब जमीन से जमीन मार करने वाला है ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। कहाँ पे किया गया है? चांदीपुर तट, उड़ीसा के चांदीपुर तट पे किया गया है ये, या उड़ीसा के बालासोर जिले के चांदीपुर तट, वहीं पे है, बालासोर ज़िले में है। तो उड़ीसा की बात हो रही है, तो वहाँ के CM कौन है? नवीन पटनायक हैं। वहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल नाम है उनका, और वहाँ का जो कैपिटल है भुवनेश्वर है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इसको किसने किया? DRDO ने किया। तो DRDO के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ उसके अध्यक्ष हैं
जी सतीश रेड्डी, और उसकी स्थापना 1958 में किया गया, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इतनी बातें आपको ध्यान देना है, जी सतीश रेड्डी। अब नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र हर साल अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाता है? तो 1 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। इसमें जो वृद्ध लोग हैं उनको सहायता के लिए, उनको मदद के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, बुजुर्गों के प्रति अच्छा व्यवहार करना है, तो इन सब के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाता है 1 अक्टूबर को। तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूएन की बात हो रही है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। मैं अक्सर बताता रहता हूँ आपसे, जो कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये स्थापित कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को ये स्थापित हुआ था, संयुक्त राष्ट्र की बात मैं कर रहा हूँ। और इसके अभी महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर इस द्विभाषी टीवी कार्यक्रम का प्रसारण कौन करेगा? तो यूनेस्को करेगा, उसके साथ दूरदर्शन दोनों मिलकर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आज मनाई जाएगी। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। यूनेस्को, दूरदर्शन, यूनेस्को की बात आ रही है, तो यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? ऑन्ड्रे अजोले, ऑन्ड्रे अजोले। और यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट, अभी हाल ही में किसको प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया? KS धतवालिया को किया गया है। PIB, इसको बोलते हैं PIB, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक नियुक्त हुए हैं ये, KS धतवालिया। इसके पहले कौन थे? सितांशु कार, इसका स्थान लेंगे ये सितांशु कार। ये 28वें हैं, 28th है इनका नंबर, प्रधान प्रवक्ता KS धतवालिया। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी, किसका स्थान लेंगे? सितांशु कार का। अब नेक्स्ट, गूगल ने किसके याद में डूडल समर्पित किया और क्यों किया? तो डॉक्टर हर्बर्ट क्लेवर की याद में किया। कब किया? 1 अक्टूबर 2019 को डूडल बनाकर। प्रसिद्ध डॉक्टर है ये हर्बर्ट क्लेवर, जिन्होंने नशे, जो नशे करते हैं लोग, उसकी लत से छुटकारा दिलाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत बड़ी उपलब्धि भी हासिल की। इन्होंने कुछ ऐसी, मतलब दवाएं बनाई, कुछ ऐसी स्कीम निकाला कि लोग नशा से छुटकारा पा सके। तो इन्हीं की याद में गूगल ने 1 अक्टूबर को डूडल बनाया। डूडल मतलब क्या होता है? गूगल के जो होम पेज होता है उस पर इनका चित्र दिखाई दे रहा था। डॉक्टर हर्बर्ट क्लेवर ये कौन है? ये अमेरिका में जन्मे एक डॉक्टर हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। मनोचिकित्सा के प्रोफेसर भी रहे थे ये। अब नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। ये जैसे कॉफ़ी में जो योगदान देते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, जो उसका बढ़ावा देते हैं, उनके सम्मान में ये मनाया जाता है, ठीक है। और जो लोग काम करते हैं, जैसे वर्कर्स जो होते हैं, कॉफ़ी के वर्कर्स जो होते हैं, उनके भी सम्मान के लिए ये मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 2014 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी एक संगठन है, उसने 1 अक्टूबर को हर साल मनाने का फैसला किया। विश्व कॉफ़ी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस इसको बोलते हैं, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में टॉप स्थान किस राज्य को मिला है? तो सिंपल सी बात है, जानते हो सब लोग, एक ही राज्य जो टॉप स्थान पर आ सकता है, केरल। केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, ये बात ध्यान देना आपको। और केरल की बात हो रही, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और वहाँ के CM है P. विजयन, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। और इसमें जो ये इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें केंद्र शासित प्रदेशों की बात करोगे तो उसमें चंडीगढ़ सबसे ऊपर है, और वैसे राज्यों में केरल सबसे ऊपर है। और सबसे नीचे की बात करें तो मालूम है कौन है? उत्तर प्रदेश है। और मुझे मालूम उत्तर प्रदेश के बहुत लोग होंगे, तो उत्तर प्रदेश सबसे नीचे, ये भी हम लोग को पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया में कार्य खोलने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया? तो पहला क्या कौन सा हो सकता है भारत का? भारतीय स्टेट बैंक, भारत की सबसे बड़ी बैंक है। SBI भारत की सबसे बड़ी बैंक है। और SBI के प्रमुख कौन है? रजनीश कुमार। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई।
कब स्थापित हुआ? 1 जुलाई 1955। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, 1 जुलाई 1955 को स्थापित हुआ। मुंबई में इसका मुख्यालय है, रजनीश कुमार इसके प्रमुख हैं। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाए, जितने मैं बता रहा हूँ आपको, रेलवे, NTPC, RRB, अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बैंक, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से पूरी वीडियो को आपको देखना है। अब नेक्स्ट, किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड चैंपियन में 100 मीटर रेस में चौथा मेडल जीत लिया? तो किसने जीता? फ्रेजर प्राइस ने जीता। ये कहाँ की? ये भी जमैका की हैं। ये भी क्यों क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो जो उसैन बोल्ट हैं वो भी जमैका के ही है ना, दुनिया के सबसे ज़्यादा फर्राटा जाने माने हैं उसैन बोल्ट। उन्होंने कुल उसैन बोल्ट तो कुल 11 गोल्ड मेडल जीते हैं, ये इनका चौथा गोल्ड मेडल है, चौथा गोल्ड मेडल है। इतना ध्यान रखना है आपको, किसका? फ्रेजर प्राइस का। ये कहाँ की है? जमैका की है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट, अभी हाल ही में किस भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के दिग्गज का निधन हो गया? तो उनका नाम है V गणेशन। वी गणेशन का निधन हो गया बयालीस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि INA के दिग्गज निधन मतलब क्या? वो भारतीय राष्ट्रीय सेना कौन था जो आज़ाद हिंद फौज बनी थी, जो कि किसने बनाया था? आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस द्वारा, उसमें ये थे, उसके सेना थे ये V गणेशन। तो इनका काफ़ी नाम है, इनको अभी सम्मान दिया गया था 2012 में, राष्ट्रीय भवन में सम्मानित किया गया था वी गणेशन को। तो काफ़ी नाम इनका, इनका निधन हो गया। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। तो किस में थे? भारतीय राष्ट्रीय सेना मतलब जो आज़ाद हिंद फौज था, सुभाष चंद्र बोस के साथ थे ये अंग्रेज़ों के ज़माने में। फिर बस दोस्तों यही था आज का आखिरी क्वेश्चन, फिर आते हैं जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा उसके बारे में देखते हैं। उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, तो वीडियो को सब लोग लाइक जरूर कर देना, जो लोग अभी तक लाइक नहीं हो तो लाइक कर देना सब लोग, और जो लोग नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास जरूर लेके आता हूँ एक वीडियो, तो सब लोग देखा करिए, शेयर भी किया करिए, सपोर्ट करो, तो मैं आगे और भी ऐसे लाता रहूँगा। फिर आते हैं क्वेश्चन पे। कल क्वेश्चन पूछा था कि फीफा बेस्ट प्लेयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसको किया गया था? लियोन मेसी को पुरुषों में किया गया था और मेगन रैपिनो को महिलाओं में किया गया था। मेगन रैपिनो तो अमेरिका की हैं और लियोन मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, ये इतना बातें आपको ध्यान रखनी है। और नए एयरफोर्स चीफ कौन बना है? राकेश कुमार भदौरी बन चुके हैं, किसका स्थान लेंगे? BS धनोआ का स्थान लेंगे। आंसर किसने दिया? योशिका पांडे, शुभम पांडे, अनिल कुमार। आज का क्वेश्चन है, इस साल दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे चुना गया है? और बिहार में पहले महिला डाकघर कहाँ खोला गया और पूरे देश का पहला महिला डाकघर कहाँ पर है? तो ये भी आपको बताना है दोनों बारे, इसके बारे में दोनों बातें, जो भी आपको पता हो सब बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। फिर बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।